सीखेंगे राज टू फिल्म का सॉन्ग माही रॉक वर्जन की जो इंट्रो रिफ है और बेसिकली उसकी थोड़ी बहुत कॉर्ड्स। मतलब गाने का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है, गाना स्ट्रक्चरली बहुत सिंपल है, लेकिन बस इसमें रॉक एलिमेंट्स हैं तो वो उसको खास बनाती है। ओके सो ये रिफ बेसिकली शुरू होती है, अगर कॉर्ड वाइज अगर बोलना चाहे तो A-7 बोलेंगे इस कॉर्ड को, हालांकि रखना एक ही फ्रेट पर एक ही फिंगर है, क्योंकि आपकी बेसिकली मिडिल फिंगर को आप रख सकते हो फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे। और A-7 क्यों है, क्योंकि A-माइनर रखते हैं अगर तो गाने की स्केल की जो है गाना A-माइनर में ही है, तो कॉर्ड अगर देखा जाए तो A-7 ही आएगी इस हिसाब से। और सबसे पहले तो ये मिडिल फिंगर रखना है फोर्थ स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पे, और स्ट्रिंग्स कौन कौन सी प्ले करनी है, A, T और G। तो साउंड कैसा आना चाहिए, तो पहले मैं आपको सारे कॉर्ड्स पैटर्न्स बता देता हूँ, तीन ही है, उसके बाद मैं पिकिंग बता दूंगा कैसी है, बहुत सिंपल है टू बी ऑनेस्ट। तो पहली कॉर्ड हो गई, दूसरी कॉर्ड ये है कि एफ, ये बेसिकली एफ टाइप की कॉर्ड है, एफ सस्पेंडेड टू बोल सकते हो इसको आप वैसे, एफ सस टू। और कैसे रखना है, जो सेम अभी रखी हुई है इसी में आप अपनी इंडेक्स फिंगर रखना है एफ नोट पे, तो कैसा हो जाएगा, और फिर एफ सस टू, तो एफ सस टू के लिए इंडेक्स फिंगर सिक्स्थ स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पे, और प्ले कौन कौन सी करनी है, प्ले करनी है सिक्स्थ स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग, पहले केस में ये करनी थी, दूसरे में ये वाली करनी है, कैसा होगा, ठीक है। सो तीसरी कॉर्ड अगर देखा जाए तो D-7 बोल सकते, D-7 तो नहीं लेकिन D माइनर का एक फॉर्म बोल सकते हो आप इसको, और इसमें हमको कौन कौन सी फिंगर कहाँ रखनी है, थर्ड फिंगर को हमको रखना है फिफ्थ स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट पे, और इंडेक्स फिंगर को हमको रखना है फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, और प्ले कौन कौन सी करनी है, प्ले हमको करनी है 5, 4 और 3, कैसा साउंड आएगा। और फिर जो चौथी कॉर्ड चेंज है वो बेसिकली वही कॉर्ड है जो हमने सेकंड बार में रखी थी, जो कि कौन सी है, एफ सस्पेंडेड टू। तो अगर कॉर्ड वाइज अगर मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल बताऊं तो कैसा होगा, एफ सस्पेंडेड टू, फिर डी माइनर वाला वर्जन, फिर वापस से एफ सस टू, तो ये इंट्रो रिफ में हमारी ये तीन कॉर्ड्स हो गई। और वैसे तो काफी लोग तो बिना आगे पोर्शन देखे ही रिफ निकाल लेंगे, क्योंकि आगे बस पिकिंग पैटर्न है, मैं बस धीरे से इसको स्लो स्पीड में एक बार प्ले करके दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हो। एक चीज मैं थोड़ा ऐड करना भूल गया कि जब आप डी माइनर वाले वर्जन पे रखोगे, डी माइनर वाली कॉर्ड पे, तो बेसिकली अगर आप थर्ड फ्रेट से स्लाइड करते हुए आओ तो रिफ पे ओरिजिनल वाली जो फील है काफी अच्छी आएगी। तो कैसा होगा एकदम, फिर से मैं स्लो प्ले करके दिखाता हूं, प्ले करके देखें तो, ओके सो इसकी कॉर्ड्स पे आते हैं। इसकी कॉर्ड्स बेसिकली डिस्टॉर्शन पे, जैसे ही रिफ खत्म होती है वैसे ही डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है रिदम में, और कॉर्ड्स बेसिकली बहुत सिंपल कॉर्ड स्ट्रक्चर है, हल्के से रिफिंग के एलिमेंट्स हैं इसमें, और कॉर्ड स्ट्रक्चर वही है यार जो टिपिकल A-G-F वाला, जिसमें अपने लोग बॉलीवुड के ऑलमोस्ट हर सॉन्ग को बजाते हैं, बजता नहीं है ओरिजिनल में, थोड़ी अच्छी चीजें होती है जनरली, लेकिन इस केस में तो यही तीन कॉर्ड्स हैं। तो बेसिकली कॉर्ड्स कौन कौन सी है, पावर कॉर्ड में बजाना है, ठीक है, पावर कॉर्ड मतलब सिर्फ ये दो स्ट्रिंग या ये तीन स्ट्रिंग, ऊपर की दो या तीन, और बाकी म्यूट, पावर कॉर्ड के लिए अलग से ट्यूटोरियल देख सकते हो। और स्ट्रमिंग पैटर्न भी कुछ खास नहीं,
करके दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल डिस्टॉर्शन ऐड करके प्ले करना है। और कॉर्ड्स है आपकी, स्ट्रमिंग पैटर्न भी आपने देख लिया, इस टाइप का है कुछ। और कॉर्ड्स ए माइनर, बी, एफ, और हर कॉर्ड के बाद बेसिकली ये दो कॉर्ड्स ऐड करनी है, कौन सी, बी और सी। बी और सी मतलब सेवेंथ फ्रेट पे पावर कॉर्ड और एट्थ फ्रेट पे पावर कॉर्ड। कैसे, फिर इसके बाद जी में, फिर एफ, फिर ई। ई में हम अलग पावर कॉर्ड ऐड करेंगे आखिरी में, कौन कौन सी, जी और ए। और एक और अच्छी चीज आप कर सकते हो वो ये है कि इन दो कॉर्ड्स को यहां लेने के बजाय आप अगर आसान पड़े तो फिफ्थ स्ट्रिंग पर रूट लेके भी ले सकते हो। इस केस में रिफ कैसी हो जाएगी, जो वो वाला पोर्शन है, तुझे मिलके लगा है ये, वो वाला पोर्शन, उसमें बेसिकली आपकी कौन कौन सी कॉर्ड्स लगेंगी, बस एक नई कॉर्ड आ जाती है डी माइनर, मतलब डी पावर कॉर्ड ही है वो, लेकिन डी माइनर के रेफरेंस से यूज की गई है। ए माइनर एफ मेजर, डी माइनर एफ मेजर, कैसे प्ले करेंगे, इसमें अगला पार्ट बेसिकली कॉर्ड सेम है, बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इन केस कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। जो वाला पोर्शन है, तुझ में कुछ ऐसी सुबह सा के था जगा सा, ये वाला जो पोर्शन है इसमें पूरे टाइम कॉर्ड्स को प्ले नहीं करना है, रोक के प्ले करना है, ठीक है। तो किस टाइप से आएंगी, इस टाइप से आएंगी, बेसिकली राज टू का जो फिल्म है माही, उसका रॉक वर्जन, उसकी उसका इंट्रो और उसकी कॉर्ड्स। हालांकि इसके रिदम स्ट्रक्चर पे थोड़ी बहुत और चीजें हैं, लेकिन वो माइनर ही हैं। कॉर्ड्स में यही हैं जो मैंने बताई, ए जी मतलब ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर और डी माइनर, बीच बीच में वाले पोर्शंस में बस थोड़े रिदम पैटर्न्स अलग अलग हैं, तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से सुन के कर सकते हो उसको। और दूसरी चीज, इस गाने में एक बहुत अच्छा सा सोलो भी है, स्वीट सा छोटा सा, अगर लगा तो मैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी एक लेसन बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर नाउ, लाइक एंड सब्सक्राइब।